ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और वो कॉन्सेप्ट है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो कि गुड्स सेल किया था ऑन अप्रूवल बेसिस और उसे हमने एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया गया, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा उसे भी देखना जरूरी है, उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए बिजनेसेस नॉर्मली अपने कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करता है। देखिए जब भी क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल से अराइज होते हैं हमारे डेटर्स, यानी जब क्रेडिट सेल करेंगे एक तरफ डेटर्स इंक्रीज हो गए, एक तरफ हमारी सेल इंक्रीज हो गई। लेकिन क्रेडिट सेल में भी आगे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। यानी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें गुड्स दे दीजिए, अगर ये पसंद आ गया तो हम अपनी अप्रूवल भेज देंगे, आपको कंसेंट भेज देंगे, और अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम इसे वापस कर देंगे। यानी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यानी जब तक कस्टमर की कंसेंट यानी सहमति नहीं आ जाती इस गुड्स को सेल नहीं माना जा सकता। अब हमने क्या किया, बिजनेस में गुड्स सेल कर दिया इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली और उसे एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया, और इस दौरान अकाउंटिंग ईयर भी ओवर हो गया, यानी 31 मार्च बीत गई, नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया। अब देखिए वो सेल तो थी नहीं, जब तक उस कस्टमर की कंसेंट नहीं आ जाती इसे एक्चुअल सेल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने यह गलती की, इसको एक्चुअल सेल मान लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते टाइम इस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट दिखाना है, कहां कहां इफेक्ट दिखाना है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए केस क्या है, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 30th March 2021 रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स अमाउंटिंग टू ₹28,000। 20,000 का गुड्स था, 28,000 में हमने सेल कर दिया किसी कस्टमर को ऑन अप्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट पे, रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, और इसे गलती से हमने एक्चुअल सेल मान लिया जबकि सामने वाले की कंसेंट अभी तक नहीं आई। तो एग्जाम्पल में है क्या, एक बार लिख के देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट जो गुड सेल किया उसकी कॉस्ट गिवन है 20,000 और सेलिंग प्राइस गिवन है 28,000। अब इसका 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स, वो 3 अकाउंट में लिख के बता देता हूं आपको। देखिए जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट डेटर्स पे, सेकंड इफेक्ट सेल्स पे, सेल इंक्रीज हो गई हमने क्योंकि एक्चुअल सेल मान लिया इसको, थर्ड इफेक्ट स्टॉक पे क्योंकि हमने स्टॉक भी तो उसी हिसाब से कम हो गया ना, जैसे जैसे सेल होगी सेल इंक्रीज होगी स्टॉक कम होगा डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट कहां कहां दिखाना है ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको गलती से एक्चुअल सेल माना, सेल नहीं है तो कैंसिल कर दो, जब हम कैंसिल करेंगे तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, यानी अभी तक हमने डेटर्स भी इंक्रीज कर दिए, सेल भी इंक्रीज कर दी, स्टॉक डिक्रीज कर दिया, सबको रिवर्स कर दीजिए, यानी क्योंकि ये हमारी ना तो सेल है, सेल नहीं है तो डेटर्स भी इंक्रीज नहीं हुए, तो क्या करें, डेटर्स में से भी माइनस कर दो, सेल्स में से भी माइनस कर दो, लेकिन कौन सी वैल्यू, सेलिंग प्राइस, क्योंकि डेटर्स और सेल्स में जो रिकॉर्ड होता है वो सेलिंग प्राइस होती है, यानी 28,000 एक बार डेटर्स में से लेस कर दीजिए, तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स में से लेस गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस, ये लिखकर लेस कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो गुड्स की सेलिंग प्राइस थी उसको हमने डेटर्स में से लेस कर दिया। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया हो सकता है, तो क्या करेंगे,
डेटर्स में से पहले ये लेस करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, उसके बाद ही आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह की एडजस्टमेंट कर पाओगे। सेकेंड इफेक्ट देखो, इसे सेल्स में से लेस कर देंगे, लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कहां से लेस किया स्टूडेंट्स, इसको हमने अमाउंट ही लिख देता हूं मैं, और भी आसानी रहेगी। ये अमाउंट है 28,000 जिसको हम लेस करेंगे, यानी डेटर्स में से भी इतना ही अमाउंट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे, क्योंकि डेटर्स और सेल की फिगर हमारे पास नहीं है, ये हम सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो एक बार सेल में से लेस हो जाएगा 28,000 जो गुड्स सोल्ड की सेलिंग प्राइस है, दूसरी बार डेटर्स में से लेस हो जाएगा। और थर्ड इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि जब ये सेल हुई नहीं तो हमने जो एक्चुअल सेल रिकॉर्ड किया है उसे कैंसिल कर रहे हैं, तो डेटर्स पे भी, स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉक में से क्या कर रखा है हमने, लेस कर रखा है, स्टॉक में एड कर दीजिए। यानी अभी तक देखिए, डेटर्स में से लेस करेंगे सेलिंग प्राइस, सेल्स में से लेस करेंगे सेलिंग प्राइस, स्टॉक में प्लस करेंगे क्या, कॉस्ट, जो गुड्स सेल किया उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी, तो हम यहां ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड सेल ऑन रिटर्न बेसिस। यानी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सोल्ड गुड्स की कॉस्ट है 20,000, उसे हम यहां पर प्लस कर देंगे, उसके बाद ही क्लोजिंग स्टॉक शो किया जाएगा। अब आपने देखा स्टूडेंट्स, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का तीन जगह कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, दोबारा सुन लो। जो गुड्स की सेलिंग प्राइस है डेटर्स में से लेस हो जाएगी बैलेंस शीट में जाकर, उसके बाद ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा। जो गुड्स की सेलिंग प्राइस है सेल्स में से लेस हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाकर, और जो गुड्स की कॉस्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक में एड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इफेक्ट था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। इसे वीडियो को बार बार सुने, कंसेप्ट को समझें, फिर इलस्ट्रेशन करें, फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स पे बनाए हैं, उन सभी को देखिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, एंड बी लिमिटलेस।